हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स स्टेट्स की फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो जो मैथ्स की होगी। मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने 12th क्लास में मैथ्स ली थी तो उनको पूरा पता है मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है, उनके रिविजन हो जाएगी। और जिन जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं ली थी तो उनके नया टॉपिक है, ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। मान लो कि हमारे पास क्या है, ए टू टू दिया हुआ है, मतलब इसमें यह है कि ए मतलब हमारा होता है रो और कॉलम। रो हमारे ये होते हैं, कॉलम हमारे ये होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है कि टू इंटू टू बोला हुआ है, मतलब ये कि टू रो और टू कॉलम, यानी रो कितनी है, ये हमारा हो गया आर वन, ये हमारा क्या हो गया R2, ये C1 और ये C2, ये रो हो रहे हैं और ये कॉलम हो रहे हैं। ये फॉर्म आपको याद करनी बहुत जरूरी है, रो हमारे ये, कॉलम हमारे ये। यहाँ पर टू रो टू कॉलम थी, लिख दिया हमने। अगर हमारे पास फॉर्म हो यही थ्री रो थ्री कॉलम, मतलब इसमें क्या है कि हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू वन जीरो, मान लो हमारे पास क्या है थ्री रो थ्री कॉलम, यानी आर इंटू सी, तीन रो है यानी R1, R2, R3, कॉलम क्या है C1, C2, C3, तीन रो दिए हुए हैं तीन कॉलम दिए हुए हैं, इनको ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या पढ़ेंगे, एडिशन। एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम पढ़ेंगे उसमें क्या टू रो टू कॉलम। इसमें हमारे क्या है कि टू रो टू कॉलम, इसमें हमारे क्या है ए हमारे पास गिवन है टू वन टू वन, ये मान लो, और बी हमारे पास गिवन है वन टू थ्री वन, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी क्या हो रहा हमारा टू वन टू वन, ए हमारा ये हो गया, बी हमारा क्या है वन टू थ्री वन। एक बार ध्यान में रखनी है आपको बात, क्या जो सामने सामने है उनको प्लस करना है, जैसे कि 2 प्लस वन कितना हो गया 3, 1 प्लस टू कितना हो गया 3, 2 प्लस थ्री 5, 1 प्लस वन 2। ये हमारा क्या आ गया टू रो टू कॉलम का क्या आ गया हमारा एडिशन आ गया। ऐसे में क्या पढ़ना है थ्री रो थ्री कॉलम, थ्री रो थ्री कॉलम। मान लो आपके पास ए हमें गिवन है, ए हमारे पास दिया हुआ है वन टू थ्री जीरो वन टू सेवन टू वन, और बी हमारे पास गिवन है टू थ्री फोर वन टू थ्री सेवन वन टू, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, और हमारे पास क्या है थ्री रो थ्री कॉलम की फॉर्म गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या है ए प्लस बी, यानी वन प्लस टू कितना हो गया थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, थ्री प्लस फोर सेवन, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस टू थ्री हो गया। यानी हमने क्या सीखा अभी, अभी हमने एडिशन स्टार्ट किया था उसमें टू रो टू कॉलम हमने सीखी है और थ्री रो थ्री कॉलम सीख रहे हैं। एक बार देख लो इसमें साइड होता हूं मैं, नोट डाउन कर, नोट डाउन कर लो आप एक बार, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, नोट डाउन आपका हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, सबट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सबट्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें वही सेम टू रो टू कॉलम पढ़नी है। उसमें हमारे क्या है कि हमारे पास ए दिया हुआ है, ए मान लो हमारे पास है वन टू थ्री वन, बी हमारे पास क्या है टू वन जीरो टू, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है। अब करना क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a माइनस बी, वन में से टू गया माइनस वन, टू में से वन वन, थ्री में से जीरो थ्री, वन में से टू माइनस वन, ये हमारा क्या आ गया टू रो टू कॉलम का क्या आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। ऐसे हमें करना है क्या थ्री रो थ्री कॉलम का, a हमारे पास है वन टू थ्री फोर टू वन जीरो टू वन, बी हमारे पास है टू वन टू जीरो वन टू जीरो फाइव टू,
ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, करना क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना हमें, करना क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी, वन में से टू गया, वन आ गया हमारा माइनस वन, टू में से वन वन, थ्री में से टू वन आ गया हमारा, फोर में से जीरो फोर हो गया, देन फिर हमारा वन हो गया, माइनस वन हो गया, जीरो माइनस थ्री और माइनस वन। ये फॉर्म सिंपल इजी फॉर्म है, ज्यादा डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन फॉर्म भी कंप्लीट होगी हमारी। सबका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे क्या है क्विक थोड़ी रिविजन होगी हमारी, जिन्होंने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है और जिनको बेसिक भी नहीं आता मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है, उनके लिए बहुत ईजी फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, एक चीज सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, हमारा हमने क्या कंप्लीट किया, हमने पहले एडिशन कंप्लीट करा, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं मल्टीपल में, मतलब क्या है कि प्रोडक्ट करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि वाली फॉर्म गिवन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से इतना, ए इंटू बी करना है, वही टू रो टू को हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा हमारा ए बी फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी हमारी ए बी फॉर्म बनेगी, इसमें क्या है हमारा ये रो है और ये कॉलम, ये क्या है रो ये कॉलम, आर वन सी वन, आर वन को सी वन से मल्टीप्लाई करना है, कैसे, वन इंटू टू इतना हो गया हमारा टू, प्लस टू इंटू जीरो इतना हो गया हमारा जीरो, ऐसे हमें करना क्या है आर वन कॉलम टू से, वन इंटू वन वन हो गया, टू इंटू टू फोर। एक बात दिमाग में रखना हमेशा इसमें कि आर वन आपने उठाया है तो पहले आर वन क्या करोगे कॉलम वन से मल्टीप्लाई कॉलम टू से मल्टीप्लाई, जैसे हम नेक्स्ट हमारे क्या है R2 उठा रहे हैं, R2 में क्या हो रहा हमने R2 लिया, तो इसमें क्या हो रहा हमारा कॉलम वन से मल्टीप्लाई कॉलम टू से मल्टीप्लाई, थ्री इंटू टू इतना हो गया हमारा सिक्स, वन इंटू जीरो जीरो, ऐसे R2 कॉलम टू से, थ्री इंटू वन थ्री, वन इंटू टू टू, कितना आ गया हमारा टू फाइव सिक्स फाइव, क्लियर है। अब थोड़ा सा डिफरेंट लेवल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों का, ठीक है, देखना ध्यान से कि ए इंटू बी क्या, ए पर रिपीट करता हूँ मैं जल्दी से, ए बी हमारे पास फॉर्म की, हमने क्या किया उससे पहले आर वन लिया, इस आर वन को हमने मल्टीप्लाई किया कॉलम वन से, ठीक है, वन इंटू टू इतना हो गया टू, टू इंटू जीरो इतना हो गया जीरो हो गया हमारा, ऐसे वन को वन से किया, टू ने टू से किया, फोर हो गया, R1 कंप्लीट हो गया। अब हमें कहां पे जाना है R2 पे, अब जब हम R2 लेंगे क्या लेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2, जब हमने R2 लिया क्या लिया 3 इंटू टू सिक्स, 1 इंटू जीरो जीरो हो गया, 3 इंटू वन थ्री, 1 इंटू इतना हो गया 2 हो गया, देन फिर उसने जाना सबको हमें एडिशन करना है और सिंपल करना है। ये हो गया हमारा क्या, हमने अभी पढ़ा एडिशन, पढ़ा सब्ट्रैक्शन, पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन, पढ़ा टू रो टू कॉलम का, हमें करना है थ्री रो थ्री कॉलम, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है देखना। ए हमें गिवन है वन टू थ्री जीरो, वन टू थ्री जीरो वन, बी हमारे पास गिवन है टू वन जीरो, ये फॉर्म हमें गिवन है, ठीक है, वही सेम फॉर्म हमें अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है आर वन लोगे, जैसे मैंने क्या लिया था हमने टू रो टू कॉलम में क्या लिया था हमने आर वन लिया, ये वाली फॉर्म ली, तो कॉलम वन से मल्टीप्लाई कॉलम टू से मल्टीप्लाई, यही किया हमने। अब यहां पर क्या हो रहा हमने, अगर हमने आर वन लिया तो क्या लेने कॉलम वन से मल्टीप्लाई कॉलम टू से मल्टीप्लाई कॉलम थ्री से मल्टीप्लाई, फिर हम आर टू क्या लेंगे हम, जैसे हमने आर टू लिया तो क्या लेंगे हम फिर कॉलम वन से मल्टीप्लाई कॉलम टू से मल्टीप्लाई कॉलम थ्री से मल्टीप्लाई, जैसे हमने आर थ्री लिया तो क्या हो रहा हमारा कॉलम वन से मल्टीप्लाई कॉलम टू से मल्टीप्लाई कॉलम थ्री से मल्टीप्लाई। आइए स्टार्ट करते हैं, सेम वही ए बी फॉर्म बनेगी हमारी, ये हमारा आर वन है ये कॉलम वन, वन इन टू इतना हो गया, वन टू टू से मल्टीप्लाई किया हमने टू आ गया, प्लस टू टू जा फोर, थ्री इंटू थ्री इतना हो गया नाइन हो गया, वन टू वन से किया वन हो गया, टू हो गया जीरो हो गया, ऐसे वन को वन जीरो से किया, टू को जीरो से किया और थ्री को टू से किया सिक्स हो गया। जैसे ही हमारा R1 कंप्लीट हो गया, R1 ने क्या किया कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, जैसे हम लिख रहे हैं ये R1 है कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कंप्लीट हो गया हमारा। अब कहां पर जाना है हमें R2 पर, इसमें क्या है हमारा कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, जीरो इंटू टू इतना हो गया जीरो, वन इंटू टू टू इंटू थ्री सिक्स हो गया,
जीरो इंटू वन जीरो, वन हो गया और जीरो हो गया, ऐसे माना जीरो इंटू जीरो 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 और फोर, क्लियर है हमारा। ऐसे भी इसकी बात कर रहे हैं। अब हमें कहां पे आना है, आर थ्री यानी रो थ्री पे आना है। तो रो थ्री में क्या हो रहा हमारा, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, थ्री इंटू टू इतना हो गया सिक्स, जीरो थ्री थ्री जीरो जीरो, यहां पर क्या हो रहा जीरो जीरो और टू, क्लियर है, समझ आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन है ना, इनको सब लोग प्लस कर देना और सॉल्व कर देना है। हमने अभी जितना भी हमने पढ़ा क्या पढ़ा, एडिशन हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, यानी तीनों चीज जो मेन तीनों चीज थी हमने वो पढ़ ली। और ये मेनली आपके एग्जाम्स में आता नहीं है, बट फिर भी क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या है हमारा, यूज इन मैट्रिक्स मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्रैमर रूल जो हमारा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नॉर्मली क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा सेवन मार्क्स वेटेज में, हर बार एग्जाम्स में आता है, तो हमें रीड होना बहुत जरूरी है। अब मैट्रिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डिटरमिनेंट का मतलब पता होना चाहिए। बस हमें इस वाली वीडियो में हमें यही करना है, थोड़ा मैट्रिक्स से हमने थोड़ा बेसिक फॉर्म सीख ली, ऐसे हमें क्या सीखनी है हमें डिटरमिनेंट की, फिर हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। टू वन थ्री वन, डिटरमिनेंट सिंबल क्या होता है, ये मोड सिंबल जो यानी हम बोल सकते हैं दो डंडे जो है हमारा क्या है डिटरमिनेंट सिंबल है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टू रो टू कॉलम पढ़नी है। इसमें क्या है, हमें हमेशा एक फॉर्म याद रखना, क्या याद रखना कि हमेशा राइट से लेफ्ट जाना है। मैंने क्या बोला आपको, अभी राइट से लेफ्ट जाना है, यानी वन को टू से मल्टीप्लाई करो, टू हो गया, और बीच में सिंबल क्या आता है हमारा, माइनस सिंबल आता है, और थ्री इंटू वन कितना हो गया थ्री, कितना आ गया हमारा माइनस वन, क्लियर है। अभी क्लियर हो गया आपको, हमने क्रॉस बना दिया सिंपल ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना क्या है, थ्री रो थ्री कॉलम, इसमें क्या डिटरमिनेंट ए हमें गिवन है, टू वन थ्री फोर टू वन थ्री वन टू, अब हम पढ़ रहे हैं क्या थ्री रो थ्री कॉलम, ठीक है। इसमें क्या है हमारा डिटरमिनेंट ए की बात कर रहे हैं, टू हमने लिया, तो ये रो और ये कॉलम यानी हम बोल सकते ये कॉलम और ये रो छोड़ कर क्या बचा हमारा, एक बार लिखो आप जल्दी से, इसमें हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा हमारा, ये वाली फॉर्म बची, यानी ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म मैच हो रही पूरी। अब करना क्या हमें, राइट से लेफ्ट, टू इंटू टू इतना हो गया हमारा फोर, वन इंटू वन जितना हो गया हमारा माइनस वन, ठीक है। और एच ची मैंने बताई थी बीच वाली जो होगी हमेशा वो क्या आ रहा सिंबल हमारा माइनस में आ रहा, तो यहाँ बीच में क्या है, अब वन ले रहे हैं तो क्या हो रहा माइनस, अब वन यहां से चला गया यानी ये वाली फॉर्म छोड़ दो और ये वाली फॉर्म छोड़ दो, क्या बचा हमारा सिंपल ये वाली दो फॉर्म सेम हो रही है, फिर से वो अप्लाई करना है हमें क्या, राइट से लेफ्ट, टू इंटू फोर कितना हो गया हमारा एट, थ्री इंटू वन माइनस थ्री कितना हो गया हमारा माइनस थ्री, नेक्स्ट चल रहे हैं इस पर थ्री पर, फिर से हमें क्या करना है, ये वाली जो फॉर्म है यानी रो छोड़कर और कॉलम छोड़कर क्या बचा हमारा, ये फॉर्म बचेगी, वन इंटू फोर कितना हो गया फोर माइनस सिक्स, क्या आ गया हमारा थ्री, यानी कितना आ गया सिक्स हो गया, और यहां पर क्या हो रहा फाइव, फाइव का कितना हमारा माइनस फाइव प्लस थ्री है, और यहां पर इतना है माइनस टू, कितना आ रहा हमारा माइनस सिक्स आ रहा, माइनस टू है और थ्री इतना हो गया माइनस सिक्स हो गया, नहीं हो गया हमारा, अब इन्हें प्लस कर दो आप कितना कैंसिल हो गया इतना आया माइनस फाइव, तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया हमारा माइनस फाइव। अब थोड़े हम रिविजन करते हैं इस चीज, जल्दी से रिपीट करते हैं देखते क्या क्या है हमारा डिटरमिनेंट ए, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये हमारा, थोड़ा सा देखते हैं। हमने पहली फॉर्म पढ़ी टू रो टू कॉलम, इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ये दो रो थे दो कॉलम थे, हमने एक इसमें राइट से लेफ्ट हमने अप्लाई करा, राइट से लेफ्ट वन इंटू टू इतना हो गया हमारा वन को टू से हमने मल्टीप्लाई किया टू आ गया हमारा, और थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री आ गया हमारा, बीच में सिंबल क्या आया हमारा माइनस सिंबल, तो माइनस लगा दिया हमने, कितना आ गया माइनस वन। ऐसे हम अप्लाई कर रहे हैं थ्री रो थ्री कॉलम, इसमें क्या हमारा तीन रो वन टू थ्री वन टू थ्री, थ्री रो थ्री कॉलम है हमारे, इसमें डालने के हमने
मान लो एक मिनट, हमने क्या लिया, टू लिया, यहां से टू लिया, तो ये फॉर्म क्या है, ये रो और ये कॉलम हाइड कर दिया हमने। अब क्या बचा हमारा, ये फॉर्म और ये फॉर्म मैच हो रही है, फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्या हम, राइट से लेफ्ट, टू टू से मल्टीप्लाई कितना है हमारा फोर आ गया, वन टू वन से क्या वन आ गया, बट साइन कौन सा आ रहा है बीच में, माइनस। ऐसे हमने हमने क्या लिया, वन लिया। अब फिर से हाइड कर दो, ये रो और ये कॉलम, हम जो भी नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रो उसका कॉलम क्या कर रहे हैं, उसे हाइड कर रहे हैं। अब हमने ये लिया, इसमें क्या लेंगे, टू इंटू फोर कितना हो गया एट, वही राइट से लेफ्ट हमारा, और थ्री इंटू वन कितना हो गया थ्री, बीच में सिंबल कौन सा आ रहा है हमारा, माइनस। अब हमने क्या लिया, लास्ट वन लिया, इसमें क्या हमारा, वही सेम रो कॉलम ने हाइड कर दिया, फोर इंटू वन कितना हो गया फोर, थ्री इंटू टू कितना हो गया हमारा माइनस सिक्स, और सब तुमने सॉल्व कर दिया, इतना आ गया हमारा माइनस फाइव हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप सबके लिए थोड़ी प्रैक्टिस से रही क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, वो सब देख लेना, और जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बेसिक फॉर्म नहीं पता तो आप मैट्रिक्स नहीं कर पाओगे, यानी जो हमें बोले ना मेथड अप्लाई करने के लिए वो नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, उससे पहले थोड़ी आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की, 10-12 क्वेश्चन आप लो अपनी साइड से एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। हमने आज क्या पढ़ा, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा एडिशन, पढ़ा सब्ट्रैक्शन, पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, पढ़ा हमने, और डिटरमिनेंट में कैसे डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं टू रो टू कॉलम में, तो हमने वो कंप्लीट कर दिया, थ्री रो थ्री कॉलम भी हमने कंप्लीट कर दिया। सारा कंप्लीट करने के बाद हम चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्या आएगा हमारा, उसमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो उठाएंगे हम सिंपल। ठीक है, हमारा मोटिव ये रहा, दो से तीन वीडियो बनेगी हर एक चैप्टर की, दो चैप्टर मिलाकर, जो आपके एग्जाम बोर्ड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें क्या हो रहा, पहले उसका एक में इंट्रो हो रहा, दूसरे में क्वेश्चन प्रैक्टिस लेंगे, तीसरे में क्या हो रहा, गेस्ट पेपर लेके आऊंगा मैं आपके लिए और उनके हम प्रैक्टिस लेंगे, और मैं अपनी साइड से गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। मेरी साइट पर आकर आप कभी भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, या मेरी जो वीडियोस अपलोड होगी उस पे पीडीएफ में अपलोड करूंगा, वो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट सो जस्ट कमेंट बिलो, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।